may be famously known as the city of nawabs, but for the food lovers, it is the city of kebabs and biryani. And of course, chaat, because that's what I'm here for. The Lucknowi chaat. The classic Indian snack, chaat, literally got its name because it leaves people licking their plate. Now you can find chaat all over India. There is Kanpur's Karbar chaat, Delhi's Daulat ki chaat, Kolkata's Churmur, Misal Pav in Maharashtra. But nothing hits the spot quite like the OG Lucknowi chaat. यहाँ का जो स्वाद है और यहाँ की जो प्रिपरेशन है वो कहीं और आपको नहीं मिलेगी। लखनऊ की चाट में अलग अलग फ्लेवर है, अलग टेस्ट है। चाट में उतनी ही खासियत है जैसे जितनी की लखनऊ के लोगों में खासियत है। इज्जत अफजाई में, मेहमान नवाजी में उतना ही लुत्फ लखनऊ की चाट में है। आप चाट खाओ या कोई चीज खा लो, लखनऊ की बात कुछ और ही है। Mr. Hardial claims to have invented the basket chaat accidentally in 1992 when he was experimenting with recipes, and he ended up with this chaat made of around 20 ingredients. So let's see what all goes in this delicious potato basket. There's literally so many ingredients that all go in the making of this famous basket chaat. So chaliye sir, shuru kariye. To ye hamari basket chaat hai. आलू टिक्की है, दही भल्ला डाल दिया, इस्टप पापड़ी डाल दी है, ये जो है हमारे लपेटू छोले हैं। लपेटू छोले तो इतना लोगों को पसंद आया कि जो भी आता था मेरे गले से लिपट जाता था, तो इसका नाम ही लपेटू छोले पड़ गया है ना। हाँ, लपेटू छोले डाल दिया है। चाट मसाला देखिए, दर्दी धनिया, एक सूखी पापड़ी है, इसको डालने से क्या होता है कुरकुरापन आ जाता बास्केट के अंदर। मटर त्रिफला चटनी, अब इसके ऊपर हम डालेंगे दही। दही भी जो हम बनाते हैं, पहले उसको दही जमने के बाद हम उल्टा लटका देते हैं इसे। कहाँ पे लटकाते भाई? यूं। और जितना उसका खट्टा पानी निकल जाता है उतना ही इस दही के अंदर दूध मिलाते हैं। देखिए इसका बताने को, वैसे तो हम 1 लाख रुपए लेते हैं, लेकिन आपको सब फ्री सिखा रहे हैं, और कहीं होटल नहीं खोल देना। हाँ, जीरा डाल दिया, हींग वाला सेव डालेंगे, ये लैया है, अनार है, हरी धनिया, भुना नमक, ये समझ लो फैमिली बास्केट है। अकेले आदमी झेल नहीं पाता है, तो उसके लिए मैंने ये बनाया है चटनी। इसको खाने से पहले अगर खाते हैं तो भूख बढ़ाता है, आप समझ लो, और खाने के बाद इस बास्केट को हजम करता है। ये फुल बास्केट जो है हमारी रेडी हो गई है, और इसको खाने में कम से कम तो 3-4 लोग जुटते हैं। Yes, see, I was wondering how I'm going to finish this alone, but he himself is saying that it's not for just one person. 3-4 people have to get together and finish this monster of a chaat. So good. Everything is so good.